हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग हेल्दी और अच्छे होंगे। टुडे टॉपिक्स मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग जानेंगे। एक मुस्लिम शासक था, ठीक है। इसका धर्म था सुन्नी इस्लाम। ये सुन्नी इस्लाम को मानने वाला, ये तुर्क से आया था। कहां से आया था? भारत में। तुर्क से ये भारत में पहला आक्रमण 1001 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1001 ईस्वी को। अगर हम थोड़ा सा इस शासक के बारे में जान ले तो अच्छा होगा। मोहम्मद गजनवी का जन्म जो है, वो आपका 2 नवंबर 971 एडी को हुआ था। 2 नवंबर 971 एडी को हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान में गजनी शहर में, ठीक है। और आपको बता दें कि इनके पिता का नाम जो था, जो गजनी शहर के शासक थे, उनका नाम था सबुक्तिगिनी। सबुक्तिगिनी के दो पुत्र थे, दो बेटे थे। पहला बेटा मोहम्मद गजनवी और दूसरा ईशान। ईशान जो था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, कह सकते हैं, ठीक है। उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, सीधा सपाटा आदमी था, सिंपल भाषा में। मोहम्मद गजनवी जो थे ये थोड़ा सत्ता के प्रति लोभी व्यक्ति था। लोभी मतलब इसको पावर चाहिए था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी सबसे पहला आक्रमण भारत पे 1001 ईस्वी में किया और यहां से बहुत सारे चीजों को लूट कर अपने देश को ले गया। एक कहावत है, आपने सुना होगा कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश में जाता हो या लूटता हो और उसको वहां बहुत कुछ मिलता है तो एक बार नहीं कई बार जाके वहां पे लूटता है। मोहम्मद गजनवी भी जो है भारत को एक बार नहीं बल्कि कितने बार लूटा? तो 17 बार लूटा भारत को मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी जो थे एक ऐसा शासक था, ठीक है। लोग कहते थे कि ये जब भारत पे आया तो उसमें भारत पे अधिकतर हिंदू शासक रहते थे और हिंदू धर्म को मानने वाले शासक रहते थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदू धर्म को जानने वाले शासक थे। लेकिन मोहम्मद गजनवी की एंट्री के बाद बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हरा देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि ये अपने धर्म को, जिसने हुआ कि मैं आपको शरण देता हूं लेकिन इसके बदले आप मेरे को क्या दोगे, तो हुजूर क्या चाहिए आपको? तो बोले सिंपल सा बाबू, मैं आपका जान बख्श देता हूं, ठीक है। इसके लिए आप मेरे गुट में शामिल हो जाओ और मेरे धर्म को कबूल कर लो। इससे मोहम्मद गजनवी का दो फायदा होता था, उसके सैनिक की संख्या बढ़ जाती थी, योद्धाओं की संख्या बढ़ जाती थी और उसे अपने धर्म के लोग मिल जाते थे। कहने का मतलब अपने धर्म की प्रचार करता था। सिंपल सी अगर बात हम करते हैं मोहम्मद गजनवी का, तो आपको ये बता दे ये वही गजनवी है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को, जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर को इन्होंने कई बार लूटा, ठीक है। पहली बार इन्होंने
सोमनाथ मंदिर को जो है से 1025 ईस्वी को लूटता है। 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर को लूट जाता है, लूट के सारा सोना अपने देश ले जाता है। आपको बताते, फिर यही व्यक्ति जो है से इसी सोमनाथ मंदिर से जो है से 1027 ईस्वी 1027 ईस्वी को भी सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जाता है। ठीक है, ले तो जाता है, लेकिन एक कहावत है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि इतना क्रूर राजा जो मंदिर को भी नहीं छोड़ा, एक नहीं दो दो बार लूटा मंदिर को, ऐसा क्रूर राजा, ऐसा शासक, आखिर इसका मृत्यु कैसे हुआ होगा? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। मोहम्मद गजनवी किसी युद्ध में नहीं मारा जाता है। मोहम्मद गजनवी का जो मृत्यु होता है वो बीमारी के कारण होता है, क्योंकि जब से वो जवान हुआ किशोरावस्था से लेके और जब तक वो जिया, तब तक केवल घोड़ों की सवारी की और केवल लूट किया, तलवारें चलाई, जिससे पूरा शरीर उसका ढीला पड़ गया था, नस नस टूट चुका था उस व्यक्ति का और बहुत कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे उसका मृत्यु हो जाता है मोहम्मद गजनवी का। इसीलिए इतिहास में लिखा हुआ है कि मोहम्मद गजनवी का बीमारी के कारण मृत्यु होता है। तो ये मोहम्मद गजनवी का कहानी था, छोटा सा संक्षिप्त में। अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो सिंपल सा, मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण कब किए? तो 1001 ईस्वी को। कब? 1001 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर को कब लूटे? तो 1025 ईस्वी को। दूसरी बार कब लूटे? 1027 ईस्वी को। ठीक है, भारत को कितने बार लूटे? तो भारत को 17 बार लूटा। कितने बार? 17 बार। कहां से आया था? तुर्क से, गजनी शहर से। समझ गए ना? तो ये था मोहम्मद गजनवी का एक संक्षिप्त विवरण जो मैंने आपको बतलाया। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय।